हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को, और सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन को। क्या होता है सेंटेंसेस? तो चलिए, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है आपका वाक्य, मतलब जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसका पूर्ण वाक्य, मतलब पूर्ण अर्थ होना चाहिए, तभी वो आपका सेंटेंस कहला जाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स मिलकर जिससे ग्रुप बनता है, जिसका पूरा एक कंप्लीट सेंस होता है, उसको हम सेंटेंसेस कहते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट से फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। फर्स्ट पेज पर एग्जाम्पल्स, एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड, जो कि एक पूरा कंप्लीट सेंस है। इसका मतलब क्या है? ये आपका सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके आपका क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सेकंड पर आइए, यू नॉट डॉक्टर, मतलब यू नॉट डॉक्टर, इसमें सब्जेक्ट भी है और डॉक्टर ऑब्जेक्ट, इसमें इनकम्प्लीट सेंस है, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। देखिए, यू नॉट डॉक्टर, सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड योर सेंटेंस। चलिए फटाफट से नीचे आते हैं। एक सेंटेंस ऑलवेज किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से, और एंड होता है हमेशा फुल स्टॉप से, या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेज की डेफिनेशन दी हुई, तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज? अ फ्रेज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे, जिसका कम्प्लीट सेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद माई फैमिली यस्टरडे, और यहाँ पे वंडरफुल टाइम कहें और ब्यूटीफुल पेंटिंग कहें, तो इसका ये कम्प्लीट सेंस नहीं है। तो इसका कम्प्लीट सेंस बनाने के लिए ये कम्प्लीट सेंस सेंटेंस होगा आपका, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये पूरा कम्प्लीट सेंस है। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस, और ये क्या होगा? आपके फ्रेजेस होंगे। चलिए फटाफट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। मतलब क्या हुआ इसका? इसका असर्टिव मतलब आल्सो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। अरे मतलब इसका ये हुआ, अ सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस फैक्ट्स इवेंट्स और एक्शन इज कॉल्ड अ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि वह सेंटेंस जिसमें किसी फैक्ट्स के बारे में पता चलता हो, या फिर इवेंट्स के बारे में पता चलता हो, या फिर किसी काम के होने का मतलब एक्शन के बारे में पता चलता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, क्या एग्जांपल है? रिया गोज टू स्कूल, दिस इज बिलोंग्स टू द सिंपल सेंटेंस हैविंग द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इट्स अ नाइस डे टूडे, इट्स कॉल्ड ऑल्सो द असर्टिव सेंटेंसेज। ओके, चलिए अब सेकंड पर आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आ रहे हम तो भूल ही गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? ओहो यस, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन सिंपल, और इसको पहचानेंगे कैसे? विद द क्वेश्चन मार्क सिंबल हियर, मतलब लास्ट में हमें क्या दिया होगा? क्वेश्चन मार्क दिया होगा। और जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ये WH फैमिली से बिलोंग करता है, वेयर आर यू गोइंग, और कभी कभार इसमें हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ जाता है, आर यू सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है, चलिए फटाफट से तीसरे नंबर पे क्या होता है, मतलब कि थर्ड पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब सीधा है, जिसमें आपसे कमांड पूछी जाए, जिसमें सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट से बिलोंग करता हो, या फिर सेंटेंस आपका एडवाइस से बिलोंग करता हो, ठीक है, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट्स नहीं दिए हुए, वो है आपका, और इसमें आता है आपका ऑर्डर, मतलब जो सेंटेंस आपका ऑर्डर शो करता हो, या फिर आपकी क्या करता हो? वार्निंग, जो सेंटेंस आपका वार्न करता हो किसी चीज़ के बारे में, वार्निंग करता हो, ठीक है, वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होगा। ऑर्डर और कमांड लगभग सेम ही होते हैं, जैसे सिट डाउन, अगर हम प्लीज़ वर्ड जोड़ दें तो वो आपका रिक्वेस्ट से बिलोंग करेगा। ठीक है, जिस सेंटेंस में आपका प्लीज़ वर्ड आ जाए, वो सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट से बिलोंग करेगा, इट मींस वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप्स के हुए? फाइव टाइप्स के, कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, वार्निंग हो गया, और ऑर्डर हो गया।
लेट सी हियर एग्जाम्पल, शट द डोर, ठीक है, ये क्या हुआ, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, प्लीज़ कम इन, ये आपका प्लीज़ हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। अब फोर्थ लास्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसमें इमोशन और फीलिंग हो, सडन सोरो फीलिंग इमोशन बिलोंग्स टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हुर्रे आई वॉन द प्राइज, आउच बी स्टंक मी, तो यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट इनकम्प्लीट सेंस, मतलब कि डज नॉट शो द कंप्लीट सेंस, ओके। सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज, फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज गिवन है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेज, हैंड राइटिंग वेरी नाइस हैज गुड। तो आपको मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बताया था, पहले एस होता है, फिर वी होता है, फिर ओ होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, नाइसा, ठीक है, और वर्ब क्या लगेगा आपका, वॉज वेरी, ठीक है, और गुड हैंड राइटिंग। लेट सी ऑल द आंसर्स, चलिए अब आंसर्स के साथ देखते हैं। तो नाइसा हैज़ अ गुड हैंड राइटिंग, और यहाँ पे सेकंड का होगा श्रुति एंड टिया आर सिस्टर्स, ठीक है। थर्ड का क्या होगा, आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, और फोर्थ का द टॉर्टॉइज बीट द हेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू मार्क अ फुल स्टॉप एट द एंड, एंड एट द बिगनिंग व्हाट यू विल राइट द कैपिटल अल्फाबेट। तो आपको भूलना नहीं है व्हेन यू आर बिगिन द सेंटेंस, जब भी आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो आपको फर्स्ट में जो है कैपिटल लेटर यूज़ करना है, लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ का होगा, रीता हैज़ वॉन द म्यूज़िक कॉम्पिटिशन। सिक्स का होगा, माई मदर कुक्स वेरी वेल। नाउ कम टू द बी पार्ट, मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेज। हमने फ्रेजेज क्या सीखा था, जो कि कंप्लीट सेंस शो नहीं करते, मतलब उनमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। तो चलिए टू मेक अ कंप्लीट सेंस, इसमें जोड़ते हैं हम सब्जेक्ट और वर्ब। तो फर्स्ट का क्या होगा, प्लीज़ होल्ड दिस फॉर अ मिनट। सेकेंड है आफ्टर द पार्टी का क्या हो सकता है सेंटेंस, लेट्स मीट आफ्टर द पार्टी इन द ओपन ईयर। थर्ड का क्या हो सकता है, वॉक इन द ओपन ईयर, और फोर्थ का होगा रौनक स्लेप्ट आफ्टर लंच, ठीक है। और फिफ्थ का हम बना भी सकते हैं, द पपी वॉज कवर्ड विद मड, या फिर कोई आप अपनी तरफ से विद सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ के बना सकते हैं मीनिंगफुल। सिक्स का होगा, द ट्रेन इज टू आवर्स लेट। तो चलिए इसके बाद आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या गिवन है, आपको रीअसेंबल मतलब करने हैं, ये दोबारा लिखना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट गिवन। इंटरोगेटिव में चेंज करना है आपको, तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले जब हम लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी होती है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, ठीक है, देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद आपका वर्ब आता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और ये हमारा यू आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉच्ड आपका वर्ब हो गया, द मूवी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, ध्यान रखना जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी, जो कि आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन वही सेम रहती है, What a brilliant idea is that, ठीक है। Next है आपका sitting in the man who is the corner, तो इसको assemble किया हुआ है jumble words की तरह, तो इसको आपने कैसे assemble करना है, subject plus verb plus object। अब interrogative है, interrogative में when we ask a question और last में question mark लगता है, तो WH family से belong करता है ये sentence, who is the man sitting in the corner, who is the man sitting in the corner, ठीक है। फोर्थ आपका आ जाता है, गांधी जी इज़ द फादर ऑफ आर नेशन, एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका एसर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है सेंटेंस की। सेकंड है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ है, तो ये आपका रिक्वेस्ट किया सेंटेंस से बिलोंग करता है, प्लीज़ पास द जूस टू मी। तो चलिए अब समझते हुए सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, यू हैव टू यूज़ दीज phrases in your own list, given it's a sentence form, तो इस list में sentence form में आपको add करने हैं ये phrases, ठीक है। तो आपका first में heavily all day होगा according to the sentence, into the garden second में होगा
into the several pieces, आपका थर्ड में, और इन द रेड साड़ी फोर्थ में, और फिफ्थ में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस राइट दिस लेटर इन योर बेस्ट हैंड राइटिंग, और सिक्स में होगा एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट शी लेफ्ट द पार्टी. सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज विद answers very well. So don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye to all. Milte hain next video mein with answers ke saath aur samjhenge bhi usko. Bye bye to all.